ओके बच्चों, अब हम पढ़ेंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। भाई मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बेसिकली क्या चीज़ है? इट इज अ हिस्टोरिकल ट्रीटी साइन बाय द मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशन में जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं उन्होंने एक ट्रीटी साइन करी थी मॉन्ट्रियल में, इसलिए उसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर बाय फेसिंग आउट CFCs। सबने क्या डिसाइड किया था इस ट्रीटी के अंदर में कि वो किस तरीके से ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करेंगे फेस में, वो क्या करेंगे धीरे धीरे करके जो कार्बन फ्लोरोकार्बन गैसेस हैं उनको धीरे धीरे उसका यूसेज कम करना स्टार्ट कर देंगे फेसेस में, जिसकी वजह से ओजोन डिप्लेशन का जो एक मेन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है CFC वो ख़त्म हो जाएगा। तो जब ये फैक्टर ही ख़त्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ओजोन के रिकवरी प्रोसेस में आसानी हो जाएगी। इसका जो सेकंड पॉइंट वो है, अंडर दिस ऑल द मेंबर कंट्रीज हैव एग्रीड टू स्टॉप द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ CFCs इन अ टाइम बाउंड मैनर। यूनाइटेड नेशंस में जितनी भी कंट्रीज हैं उन्होंने इस प्रोटोकॉल के अंडर में ये डिसाइड करा कि धीरे धीरे करके वो कार्बन फ्लोरोकार्बन CFCs गैसेस के प्रोडक्शन को और कंजम्पशन को टाइम बाउंड मैनर में कम कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, उसका यूसेज ख़त्म कर देंगे। अगला पॉइंट, इंडिया साइन द ट्रीटी अलॉन्ग विद इट्स लंडन अमेंडमेंट इन ईयर 1992। इंडिया ने 1992 में इस ट्रीटी को साइन किया था। अगला पॉइंट, इट हैज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द बर्डन ऑफ CFC इन स्ट्रेटोस्फीयर एंड हेल्प्ड इन ओजोन रिकवरी। इसके बाद क्योंकि सारी कंट्रीज ने इसमें स्टेप उठाए ओजोन CFCs गैसेस को यूज़ करने के लिए, उन्होंने बहुत सारे ऐसे स्टेप्स उठाए कि उसका यूसेज कम हो जाए, तो इससे ओजोन लेयर की जो रिकवरी थी उसमें काफ़ी हेल्प मिली और जो CFC थी उसका स्ट्रेटोस्फेयर में जो प्रेजेंस थी वो पहले से काफ़ी कम हो गई, मतलब ओजोन रिकवरी का जो प्रोसेस था वो काफ़ी तेज हो गया।